हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ वो सारे ब्रशेस जो लाइक मिनिमम नंबर ऑफ ब्रशेस जो आपको इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके मेकअप के लिए। आपको काफ़ी सारे लाइक 24 सेट और बहुत सारे सेट आते हैं ब्रशेस के। देर आर एन नंबर ऑफ ब्रशेस, बहुत सारे ब्रशेस होते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन कौन से हम ब्रशेस लें, पूरा सेट लें ना लें, और वो एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा। तो आप लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 ब्रशेस आप ले सकते हो अपने मेकअप किट में। आप ये 8 ब्रशेस ले सकते हैं बिना कोई कन्फ्यूजन के। तो जो फर्स्ट ब्रश है हमारा वो है फाउंडेशन ब्रश, स्टिपलिंग ब्रश होता है, प्रो आटे का है। आई गिव यू द लिंक, काफ़ी अच्छा ब्रश है। इसको हम वेव भी बता देते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। हम फाउंडेशन लगाने के बाद इसको राउंड राउंड हमें अपने फेस पे चलाना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन ब्रश हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा इस तरीके का ये फ्लैट कॉन्टोरिंग ब्रश, ये कॉन्टोरिंग ब्रश। तो ये कॉन्टोरिंग ब्रश मेरा पैक का है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये ब्रशेस का। तो आप इसके ब्रशेस भी ले सकते हो। इसको हम कॉन्टोरिंग जो करते हैं हम इस तरीके से करते हैं, वो मैंने सारा अपनी बेसिक मेकअप वीडियोस में सब एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड ब्रश हो गया। फिर ये हमारा थर्ड ब्रश है, ये है ब्लशर ब्रश। ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था, इस पर कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ। तो इसको आप इस तरीके से ब्लश लगा सकते हो अपने इस वाले ब्रश से। दिस इज फॉर ब्लशिंग। ये हमारा फैन ब्रश, ये फैन ब्रश मेरा वेट एंड वाइल्ड का है, दिस इज फ्रॉम नायका। तो उसको हम हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो आप ये वाला ब्रश अपनी किट में ले सकते हो। फिर आती है हमारी वाली आईज़ की, आई मेकअप की। तो ये है हमारा बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश, इस तरीके से हम ब्लेंड करते हैं इसमें आई एरिया में। आप इसके लिए भी मेरे ट्यूटोरियल वो वाला बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल देख सकते हो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वाला ब्रश आप बड़ा एक ले सकते हो, मीडियम साइज़ का भी ले सकते हो, दैट विल हेल्प। ये एप्लीकेशन ब्रश है, आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश, मीडियम साइज़ का है। तो आप ये इंक्लूड कर सकते हो, एक दिस इज़ फॉर ब्लेंडिंग, दिस इज़ फॉर एप्लीकेशन। तो ये दोनों ब्रश आप ले सकते हो आई के लिए। बहुत सारे ब्रशेज होते हैं आई के लिए, इवन मेरे पास भी है, बट मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट हैं जो होने चाहिए तो वो ब्रशेस बता रही हूँ। ये यहाँ पे आई आई यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए है, आई कॉर्नर्स आप हाईलाइट कर सकते हो इस पर। इधर आपका ये नोज हाईलाइट कर सकते हो। तो ये वाला वैसे तो फिंगर से भी हो जाता है, आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, बाकी ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट ब्रशेज हैं आई के लिए, आई शेडो एप्लीकेशन के लिए। एंड दिस इज ये वाला ब्रश, ये आईब्रो ब्रश है, ये ब्रोज के लिए है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। फिर इससे शेप हम अपनी आईज़ को देते हैं। तो एक आपका ग्लो ब्रश आप ले सकते हो इस तरीके का, 2-in-1 वाला। तो ये हेल्पफुल है। ये सारे 8 ब्रशेस जो हैं ये ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो, फिंगर से भी लग जाता है वैसे तो नोज पे हाईलाइटर। तो ये दोनों ब्रशेस, ये 3 इवन आई के लिए आप ले सकते हो अपने। एंड दिस इज फॉर फेस, ये फेस के लिए आप ले सकते हो ये। बाकी मेकअप करने वाले के ऊपर है, बहुत सारे लोग काफ़ी सारे ब्रशेस यूज़ करके मेकअप करते हैं, कुछ लोग बहुत कम ब्रशेस में इतना अच्छा मेकअप कर लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करी हुई है उसी तरीके से आप अपने ब्रशेस यूज़ कर सकते हो। होप ये वीडियो आप
आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी आपकी मेकअप किट में ब्रशेस के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।